Good morning to all of you and welcome to you all in today's class of science. पिछले दिन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया मोशन एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग कुछ हद तक पढ़े जैसे कि हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ मेजरमेंट क्या होता है, बॉडी के किन किन पार्ट्स का यूज़ किया जाता था पुराने ज़मानों में मेजरमेंट के लिए, और उनको जो है उनको हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम लोग पढ़ लिए थे। एक एक्टिविटी भी हमने किया था जिसमें हमने देखा था कि एक टेबल की लंबाई को अपने भित्ते से नापना था, हैंड स्पैन से नापना था, और कैसे नापे थे, और इसमें क्या कंक्लूज़न निकला था कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या हो रहा था कि वैरी कर जा रहा था, जो लेंथ है टेबल का वो एक दूसरे से अलग हो जा रहा था, क्योंकि बच्चे के हाथ की लंबाई अलग अलग थी, उसके वजह से जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट लंबाई है टेबल की, वो हमें पता नहीं चल पाई। तो फिर हमने देखा कि एक और बातें आई कि यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत पड़ी, यानी एक फिक्स्ड यूनिट लाने की ज़रूरत पड़ी, स्टैंडर्ड यूनिट लाने की ज़रूरत पड़ी जिसमें कि वो मेज़रमेंट को किया जाए। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि क्यों ज़रूरत है यूनिट्स के स्टैंडर्डाइजेशन की। तो आफ्टर मेजरिंग द लेंथ ऑफ टेबल इन हैंड स्पैन्स, जब टेबल की लंबाई हैंड स्पैन में नापी गई, उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि अलग अलग तरह के मेज़र्स हमें मिल रहे थे, और जो मेज़र था वो टोटली कम्प्लीटली डिपेंडेबल था, यानी डिपेंड था उस बच्चे की हाइट पे, डिपेंड था उस बच्चे की बॉडी का क्या लेंथ है, उसके हैंड स्पैन का क्या लेंथ है, उस पर वो डिपेंड था, है ना, ये एक दूसरे पर आश्रित था। उसके मेज़र करने के लिए हमें एक हैंड स्पैन की ज़रूरत थी, तो हमने ये देखा कि ये पूरा कम्प्लीटली डिपेंडेबल था, और इससे हमें मेज़रमेंट भी एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि चूँकि बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन क्या हो जाते हैं, वेरी कर जाते, किसी का हाथ छोटा है तो किसी का बहुत बड़ा है, किसी का मोटा है चौड़ा है तो किसी का बहुत ही पतला सा है, है ना। तो ये डिफ़िकल्टी, ये जो परेशानी हुई, इसी से जो है ये ज़रूरत पड़ने लगा कि एक और अच्छा एप्रोप्रिएट तरीका ढूंढा जाए मेज़रमेंट करने के लिए, नापने के लिए एक और कोई अच्छा सा नया तरीका ढूंढा जाए, जिसमें ये जो वैरी हो रहा है, ये जो मेज़रमेंट एक दूसरे से अलग हो रहा है, ये ना हो, ये स्टैंडर्डाइज्ड रहे। देखो नॉलेज डेस्क में क्या दिया हुआ, ऐसा इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। देखो क्या लिखा हुआ है, जो यूनिट्स बाद में हम लोग पढ़ेंगे अभी, कि जो मेज़रमेंट होने लगा ना वो SI यूनिट कहा जाने लगा। कोई भी मेज़रमेंट, लेंथ को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट आया, तो लेंथ का SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट मीन्स उसको अगर हम लोग कहें तो सिस्टम इंटरनेशनल इसका जो है फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्ड यूनिट था किसी भी मेज़रमेंट को करने के लिए, लंबाई नापने के लिए कुछ अच्छा कुछ अलग यूनिट आया, सॉरी अच्छा नहीं कुछ अलग यूनिट था, किसी चीज़ के वज़न को नापना है तो उसका कुछ अलग यूनिट था, अगर किसी चीज़ की को लिक्विड का अगर हमें वेट करना है तो उसके लिए कुछ अलग यूनिट आया, ऐसे ऐसे करके सबका ऐसा यूनिट हमें मिला। दूसरा है, मेट्रोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच इन्वॉल्व डिफाइनिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग ए यूनिट। मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी जो है स्टडी है किस चीज़ का, मेज़रमेंट के यूनिट्स का स्टडी है, मेज़रमेंट जो किया जाता है उसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, अभी हम आपको बताएं, जिसमें जो है हमें पढ़ना होता है कि वो यूनिट का क्या डिफाइन कर रहा है, और वो किसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड है, किस चीज़ को नापने के लिए उसे तय किया गया है, वो सब हम लोग मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर है, द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट वाज कॉल्ड इंपीरियल यूनिट्स। जो ब्रिटिश सिस्टम था यूनिट्स का उसको इंपीरियल यूनिट्स कहा जाता है, और ये बेस्ड था किस पे, यार्ड पाउंड सेकंड ये सब चीज़ पे, जैसे हमारे यहाँ मीटर लीटर ये सब है, वैसे वहाँ वो यार्ड पाउंड सेकंड इस पे डिपेंडेंट था, जिसमें लेंथ को यार्ड में मेज़र किया जाता था, मास को पाउंड में मेज़र किया जाता था, और टाइम को सेकेंड में। सेकेंड तो हम लोग अभी भी जानते हैं, केक वगैरह अगर आप लेने जाओ तो 1 पाउंड 2 पाउंड बोलते हैं ना, तो मास को जो है पाउंड में, और मेज़र अगर लेंथ की मेज़रमेंट होती थी तो बोलता था कि 2 यार्ड 3 यार्ड ऐसे करके बोलता था, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम यूनिट्स में। फिर एक चौथा, MKS यूनिट्स वेर आल्सो कॉल्ड गियोर्गी यूनिट्स एज दीज वेर डेवलप्ड बाय ए गियोर्गी 1901।
एक एमकेएस यूनिट था, ठीक है। इसको गियोर्गी यूनिट्स भी कहा जाता था क्योंकि ये जिनके द्वारा डेवलप किया गया था उनका नाम ए जॉर्जी था और 1901 में इसकी डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसीलिए साइंटिस्ट जो थे वो पूरे दुनिया के, उन्होंने एक यूनिफॉर्म सेट बनाया यूनिट्स का मेजरमेंट के लिए, जो कि सिर्फ डे टू डे लाइफ को इजी नहीं बनाया, आसान नहीं बनाया, बल्कि साइंटिफिक इंट्रैक्शन में भी हेल्प किया। यानी कंट्री, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो इंट्रैक्शन है, उसका जो लिंकिंग है, उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल हुआ। अब है कॉमन यूनिट सिस्टम। कॉमन यूनिट सिस्टम क्या होता है? कॉमन क्या मीन्स क्या होता है? सभी के लिए बराबर, एक जैसा, कॉमन है ना, सामान्य जिसको कहते हैं। एक ऐसा यूनिट सिस्टम जो सभी के लिए सामान्य हो। 1790 में एक डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट आया। एक कमिटी के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया, इसको बनाया गया, फ्रेंच एकेडमी के जो भी कमिटी थे उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया, और इस सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम बोला जाता है। और ये सिस्टम बेस्ड था सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पे, यानी सीजीएस पे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, इन तीनों पे बेस्ड करके ये यूनिट्स का जो फॉर्मेशन है, ये मेट्रिक सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो किया गया। और इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में नापा जाने लगा। बाद में 1901 में एक और अप्रोप्रिएट सिस्टम आया, जिसका जो कि था एमकेएस सिस्टम, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड आया। मीटर में लंबाई, किलोग्राम में किसी चीज़ का वजन और सेकंड में टाइम को नापा जाने लगा। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या जिसको हम लोग SI यूनिट्स भी कहते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम था। 1960 में कुछ और चेंजेस किया गया एमकेएस में, जो है ना मीटर, हमने जो पढ़ा मीटर, एमकेएस अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, उसमें और भी ज़्यादा जो है मॉडिफिकेशंस किए गए, चेंजेस किए गए, कुछ बदलाव किए गए, और एक और अच्छा समझने वाला सिस्टम हमारे लिए मेज़रमेंट का बनाया गया, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, जो कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के द्वारा ये डिराइव किया गया। यानी कि वेट और मेज़र, किसी चीज़ का वजन, किसी चीज़ का माप का जो सिस्टम है, उसके जनरल फार्मूला से डिराइव किया गया। और ये सिस्टम में जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके डिराइव यूनिट्स थे। ये सारे सब्सटेंस और उनको किस यूनिट में मेज़र किया जाना है, वो सारे यहाँ पे बताए गए। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? न्यू वर्ड्स में देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी है जो क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड ना हो, वो खुद में ही एक मतलब इंडिपेंडेबल हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं क्वांटिटी, दूसरे पर वो आश्रित नहीं होते, वो खुद में ही मेज़र हो सकते हैं, ठीक है। इस सिस्टम में हर यूनिट का एक सिंबल था, उसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स थे, जो कि एक प्रीफिक्स के द्वारा डिनोट किए जाते थे। जैसे कि अगर मीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर के आगे सेंटी लग गया तो सेंटीमीटर बन गया, और मीटर और सेंटीमीटर एक दूसरे से जुड़ा भी हुआ है। लेकिन ऐसा यूनिट कौन रहा? मीटर रहा। मीटर के पहले लगा दो सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, कुछ भी लगा सकते हैं प्रीफिक्स के तौर पे, लेकिन ऐसा यूनिट के रूप में मीटर रखा गया। मास का किलोग्राम रखा गया, जिसमें आप जो है मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, किलोग्राम, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। सेकंड के लिए सेकंड, टाइम का क्या रखा गया? सेकंड रखा गया, ठीक है। और जो टेम्परेचर का रखा गया ऐसा यूनिट, वो क्या रखा गया? केल्विन। तो इसमें आपको मोस्टली एक बात याद रखना है, सबका ऐसा यूनिट याद रखना है कि ये लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मास का ऐसा यूनिट क्या है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या होता है? उससे निकलने वाला, कहने का मतलब उससे क्या और फॉर्म हुआ। जैसे मीटर से क्या फॉर्म हुआ? किलोमीटर फॉर्म हुआ। लीटर से क्या फॉर्म हुआ? किलोलीटर फॉर्म हुआ। वो उसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हो गए। कभी कभी ये आसान नहीं होता है कि बड़े बड़े मेजरमेंट को, अब बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा है तो उसको छोटे यूनिट्स में तो हम लोग शो नहीं कर सकते, या फिर बहुत छोटा छोटा कम चीज़ है तो उसको अगर एकदम लार्जर यूनिट में तो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए जो है हमारा मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स यूनिट्स का बनाया गया। एग्जाम्पल
के तौर पे अगर आपको दिल्ली और लखनऊ के बीच का दूरी बताना है तो उसको मीटर में नहीं कर सकते हैं, बल्कि किस में करेंगे, किलोमीटर में। वो आसान नहीं है ना कि उसको मीटर में दिखाया जाए, क्योंकि उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक उसी तरह से अगर पेंसिल का लेंथ को मीटर में बताना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेंसिल तो बहुत छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, तो वो कन्वीनियंट नहीं था। तो ऐसे केसेस के लिए फिर क्या हुआ,